दिन भर बोझ होता है, है? गधा दिन भर बोझ होता है। हाँ जी। और शाम को गाय गाय भैंस की बच्ची भी घास खाता है। हाँ जी। ब्राह्मणों की दुनिया में रावण के सिर पर गधा दिखाया जाता है और उसका क्लेरिफिकेशन भी हमारी बुद्धि में आ जाता है। आ गया कि नहीं? कौन है गधा? है? फालतू में 300-400 का वजन ढोया, 300-400 कपड़ों को आदि से बताया, धोबी घाट चलता चला आया है। स्वर्ग स्थापन हुआ? कोई स्वर्ग स्थापन नहीं हुआ, और ही भिखमंगे बन गए, नरक बन गया। कोई धनी धोनी साकार में नहीं जो सुरक्षा की गारंटी ले। तो जैसे कि गधे का पार्ट हो गया, फालतू ही वजन ढोया, वो गधा रावण के सिर पर दिखाया जाता है। क्या करता है गधा? धूल में लौट जाता है। ये विकारों की धूल कही जाती है या देवान की धूल कही जाती है? विकारों की धूल नहीं है, विकारों की धूल बनती है विकारी कर्म इंद्रियों से, और देवान की धूल बनती है सारी देह से। बच्चे जब बाबा की गोद में जाते थे तो जब गोद में पहुंचते थे तो कोई को तो शिव बाबा याद आता था और कोई को याद नहीं आता था। तो जिनको याद नहीं आता था वो देवान की धूल में लौटते थे या आत्म की स्थिति में रहते थे, क्योंकि बाबा का शरीर तो बहुत चिकना चुपड़ा गोरा चिट्ठा था, तो देवान की धूल में लौटते थे। और जब देवान की धूल में लौटते थे तो अगर ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा की याद है बिंदु रूप में, असली रूप में नहीं, किस रूप में? बिंदु रूप में शिव बाप की याद है, तो जैसे कि आत्म की स्थिति है उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या 24 घंटे निरंतर याद रहती है? है? नहीं याद रहती है। बिंदु की याद 24 घंटे निरंतर कोई की हो ही नहीं सकती, और जिसकी हो सकती है उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। बाकी 33 करोड़ देवताओं में से एक का भी नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। नाम भी जोड़ा जाता है और उसने जो काम किया जिस कर्मेंद्रिय से, वो कर्मेंद्रिय भी उसकी पूजी जाती है। क्योंकि निराकारी स्टेज में रह करके कर्मेंद्रिय से काम किया, पूजा भी जाता है और याद भी किया जाता है शिव शंकर भोलेनाथ। एक के साथ दूसरे का भी नाम जुड़ा हुआ है। क्यों? किसी एक निराकार को जब साकार मुकर रथ के द्वारा याद किया जाता है तो याद निरंतर हो जाती है, वरना सिर्फ बिंदु को याद करने से निरंतर याद नहीं हो सकती। हम 63 जन्मों में आत्मा को तो बिंदु को जानते ही नहीं थे, उसको याद करने के अभ्यासी होने की बात ही नहीं। अभी तो हम
ज्योति बिंदु आत्मा को जानते हैं तो भी निरंतर याद नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि 63 जन्मों के आदि हैं, अभ्यास पड़ा हुआ है साकार को याद करने का। बच्चा या बच्ची जन्म लेता है, माँ से याद चिपक जाती है। बड़ा होता है, बाहर खेलने जाता है, मित्र संबंधियों से याद चिपक जाती है। स्कूल में जाता है, टीचर से बुद्धि चिपक जाती है। अटैचमेंट होता है कि नहीं? बड़ा होता है, नौकरी धंधा दोरी करता है तो धंधे दोरी वाले याद आने लग पड़ते हैं। शादी होती है, पत्नी याद आने लग पड़ती है। बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे याद आने लग पड़ते हैं। तो याद ट्रांसफर होती रही। एक में टिकने की बात आई ही नहीं। और जो ट्रांसफर याद होती रही वो भी साकारी याद। तो जन्म जन्मांतर के हम किस कैसी याद के आदि हैं? साकारी याद के आदि हैं। इसलिए बाप भी हमको तरीका बताते हैं, बच्चे क्या करो, साकार में निराकार को याद करो। और अनेक साकार में नहीं, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, एक ही मुकर्रर रथ के द्वारा मैं बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता हूं, बच्चों को वर्षा देता हूं, एक बाप के रूप में। तो जिस बाप से सब बच्चों को वर्षा मिलता है, प्राप्ति होती है, जिससे प्राप्ति होती है वो याद तो आता है, नहीं याद आता है? और बेहद की प्राप्ति हो फिर तो और जास्ती याद आता है। तो निरंतर याद का ये साधन है क्या? साकार में निराकार को याद करना। और प्रूफ भी है, जो ऊपर से आने वाले इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक हैं, उनको अथवा उनके फॉलोअर्स को निराकार ज्यादा याद आता है या साकार ज्यादा याद आता है? निराकार याद करते हैं वो, इसलिए स्वर्ग की बात सही उनको प्राप्त नहीं होती है। स्वर्ग के सुख भी शरीर के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, बल आत्मा प्राप्त करती है। तो आत्मा साकार बाप को याद करती है, नहीं तो आत्मा परमधाम में जड़वत है। परमधाम में आत्मा जड़ है या चैतन्य है? चैतन्य की मुरली में परिभाषा बताइए। बोलते चलते को चैतन्य कहा जाता है। परमधाम में आत्मा बोलती चलती है नहीं? तो जड़ को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? ऐसी जड़ बुद्धि बन जावेंगे, ऐसी जड़ बुद्धि बन जावेंगे जो बाप के असली रूप को, जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाता हूं, उस रूप को पहचान नहीं सकेंगे। पहचान ही नहीं पाते कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक और उनके फॉलोअर्स जो परम धाम से इस सृष्टि पर आते हैं। और तुम बच्चे, तुम्हारी बुद्धि कैसी बन जाती है? तुम बच्चों की बुद्धि चित्त चैतन्य बन जाती है, क्योंकि तुम सत्य चित्त आनंद बाप के बच्चे हो। इसलिए क्या करना है? साकार में निराकार को याद करने वाले गधे नहीं हैं,
उन्होंने तो गधा और घोड़े का भगवान का जन्म दिखा दिया कि भगवान गधा घोड़ा सुकर कुकर बन करके आता है, कच्छ मच्छा उतार लेता है, परंतु ऐसा तो है ही नहीं। कुकर सुकर कच्छ मच्छा गधा आदि को पढ़ाने के लिए आवेगा, वो ज्ञान सुनेंगे? बिना ज्ञान के गति सदगति मुक्ति होगी? नहीं होगी। कौन सुनेगा ज्ञान? मन से ही ज्ञान सुनता है। तो भगवान मनुष्य रूप में आता है और मनुष्य उसे कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन करता है। बाप ने जो ज्ञान सुनाया उसका मंथन बुद्धि में चलना चाहिए, मनन चिंतन होना चाहिए। अगर मनन चिंतन चलता है तो अव्वल नंबर का मनुष्य मनु है। अगर मनन चिंतन मंथन नहीं चलता तो मनुष्य नहीं जानवर। इसलिए रावण के सर के ऊपर गधे का सिर दिखाया जाता है, वो बार बार देवान की धूल में लौट जाता है। अम्मा है ना, तो अम्मा क्या करती है बच्चों के साथ? मेरा बच्चा मेरा बच्चा, खूब दुलराएगी पिलराएगी। तो जितना मेरा बच्चा करेगी तो उसे देह में लगाव लगेगा या नहीं लगेगा? देह में लगाव लग जाता है, देवान की मिट्टी में लौटता रहता है। वो देवान सब विकारों का बाप है। इसलिए शास्त्र में दिखाया है कि ब्रह्मा ने असुरों को वरदान दिए। क्या? असुरों को वरदान दिए। ये ढेर के ढेर असुर किसकी गोद में पले? इस्लामियों से लेकर के और आर्य समाजियों तक, नास्तिकों तक भी ढेर के ढेर ब्रह्मा की गोद में पलती रहे। सारी सृष्टि ब्रह्मा की गोद में पलती है। ब्रह्मा का ही अपर नाम पड़ता है जगत अम्बा। इसलिए मुरली बोला, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। जगत पिता नहीं कहा, जगदम्बा। ये देवान पांच विकारों का बाप है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का बाप कौन? साक्षात देह अभिमान। इसलिए दस सिरों के ऊपर गधे का सिर सबसे ऊपर दिखाया जाता है। यज्ञ के आदि से लेकर के अंत तक, कब तक? 68 तक, 69 तक ये कपड़े धोए हैं, और कपड़े धो करके कहां ले जाके डाल दिए? हैं? धोबी घाट जिसे कहा जाता है, उस धोबी घाट की प्रसिद्ध है। धोबी की तकिया कलाम है वो। धोबी जब कपड़ा धोते हैं वहां तो बोलते जाते हैं, सटका लगाते जाते हैं, बोलते जाते हैं, छी हो राम, छी हो राम। गंदे कपड़े धोएंगे तो बदबू तो आएगी ना। इतना श्रेष्ठ काम करता है फिर भी दुनिया उसकी ग्लानी करती है। नाम पड़ता है कलंकी अवतार। और ये भी बताते हैं, जितनी ग्लानी करते हैं उतना ही पद भी नीचा होता जाता है। और तो ये गाय भैंस की घास माना है, गाय भैंस की बच्ची हुई घास खाता है। हाँ, तो जो गधा होता है वो सारा दिन मेहनत तो बहुत करता है, कम करता है? है
मेहनत ज्यादा करता है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मेहनत में रहो या मोहब्बत में रहो। और मोहब्बत शरीर के साथ पैदा होती है या बिंदी आत्मा के साथ मोहब्बत पैदा होती है? शरीर के साथ ही मोहब्बत होती है। तो मेहनत में सारी जिंदगी गई, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई, और ये अहंकार चढ़ गया शिवो अहम, मेरी आत्मा ही गीता का भगवान है साकार रूप में। इसके अलावा दुनिया में कोई भी गीता का भगवान साकार रूप में नहीं है। तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? घास खाई या मक्खन खाया? घास खाते रहे। आठवा नारायण के ऊपर कर्ज चढ़ने का कारण? आठवा नारायण ब्राह्मणों की दुनिया में वही आत्मा बनती है जिसके लिए मुरली में बोला है कि ये आर्य समाजी बहुत लिटरेचर छपाते हैं और बहुत बांटते हैं। बताओ ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में किसने सबसे जास्ती लिटरेचर छपाया और बांटा? तो वो हो गया आर्य समाजियों का हेड। और जो आर्य समाजियों का हेड है वो ही सतयुग का आठवां नारायण बनता है। पूरा 16 कलर संपूर्ण नारायण बनता है या 14 कला बनता है? 14 कला बनता है, है? 14 कला नारायण बनता है। कम कला वाला बनता है, 7 नारायणों से भी नीचा बनता है। तो कम ताकत वाला होगा, ज्यादा ताकत वाला होगा? कम ताकत वाला है, बुद्धि में इतनी ताकत नहीं है के आए हुए भगवान बाप को पहचान सके। बाप को नहीं पहचाना इसलिए दुनियावी मान मर्तबा लेने में लगे रहे, मोटी मोटी पुस्तकें छपाना, मोटे मोटे ग्रंथ छपाना, तैयार करना और उनसे पैसा कमाना, धनवान बन जाना, हवाई जहाजों में दुनिया में चक्कर काटते रहना फालतू। जब शरीर छोड़ा तब संदेशी के द्वारा बोला कि मैंने जो प्रतिज्ञा ली थी कि बाप को प्रत्यक्ष करूंगा वो मैं नहीं कर सका। जब पहचाना ही नहीं तो प्रत्यक्ष कहां से करेगा? तो मस्ती मारते रहे दुनियादारी की या विश्व सेवा की? मस्ती मारते रहे। इसलिए उस आखिरी नारायण का धंधा ही है अपने बाप दादे का नाम नारायण डुबो देना। क्या कहते ले सतयुग में जो राजाएं महाराजाएं होते हैं उनका टाइटल क्या है? नारायण। वो टाइटल डूब जाता है। और राम वाली आत्मा अपना टाइटल शुरू कर देती है। तो ब्राह्मणों का जो खास धंधा है शिव बाबा की वाणी के ऊपर मनन चिंतन मंथन करना और मंथन करके दूसरी दूसरी आत्माओं को वो मंथन का लाभ देना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, मक्खन निकालना और मक्खन बांटना। तो जो धंधा था ब्राह्मणों का वो तो किया नहीं, तो गरीब राजा बनेंगे या साहूकार राजा बनेंगे? दिखाने के लिए तो सारी ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में ये बात फैल गई कि सबसे ज्यादा सर्वसेबल कौन है? जगदीश भाई है। ये मान मर्तबा कमाया या भगवान की दृष्टि में ज्ञान की सेवा की? मान मर्तबा कमाए। इसलिए
उसके ऊपर बोझा चढ़ेगा या बोझा जन्म जन्मांतर का उतरेगा, चढ़ जाता है। संचत्तर तक होते होते बाप राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है। 40 वर्ष पूरे होते हैं और आदि ब्रह्मा की आयु प्रजापिता की 100 साल पूरी हो जाती है। सन 36 में 60 वर्ष का था, 76 में 100 साल पूरे होने पर ब्रह्मा वो मृत्युलोक में टाइटल उसका खत्म। मन बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ चली जाती है? अमर लोक में निवास करती है, मनन चिंतन में रहती है, स्वर्ग की बातों में चिंतन में रहती है, बाप की याद में रहती है, सेवा की चिंतन में रहती है। बाकी दुनिया के लिए आप मुए मर गई दुनिया, वो चाहे 500-700 करोड़ की दुनिया हो, आज नहीं तो कल मरने वाली है। और चाहे वो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया हो, अगर बाप को नहीं पहचानती है तो क्या है? मरे हुए। बाबा ये मुर्लि का पॉइंट है, ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, इनका सिजरा होता है ना, अग्रवाल का सिजरा बनता है, गिरागरी का सिजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा, कायदे मुझे शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर और फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है मनुष्य के सिजरे। तो मतलब अग्रवाल का सिजरा, अग्रवाल माने आगे रहने वालों का सिजरा, अग्र माने आगे। हाँ और क्या पूछना? हाँ जी, जो सतयुग में साहूकार बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है? शिव बाप सतयुग के बड़े से बड़ा साहूकार बनाने वाला है, सोलह कला संपूर्ण बनाने वाला है, सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है। और कलयुग के अंत में जो गुणहीन कलाहीन और साहूकार बनते हैं उन्हें कौन बनाता है? रावण बनाता है। आज की दुनिया के जो साहूकार हैं, अल्पकाल के साहूकार हैं या जन्म जन्मांतर के साहूकार हैं, कोई पता नहीं। आज साहूकार हैं कल क्या बन जाएं, आज राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री हैं कल क्या हो जाएं, पक्का है? कुछ पता नहीं। और हाँ जी, वो पुराने राम सीता का मंदिर है, उसके आगे ना मृदंग भाई दिखाई, मृदंग दो भाई दिखाई आगे, और दर्द भाई बड़े बुजुर्ग दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर है, एक काला और एक लाल। अरे उसके हाथ में लाठी दिखाई है, लाठी 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 हाथ में लाठी दिखाई है, ज्ञान की लाठी है, ज्ञान का डंडा मारने वाले हैं कि बबूल का डंडा मारने वाले हैं? ज्ञान का डंडा लगाते हैं, द्वारपाल कहा जाता है उनको। और बाबा हाँ, जब सागर मंथन होता है तो पहले विष निकलता है, तो विष पीने का समय शंकर का कब से करते हैं? सबकी बुद्धि में, चाहे दुनिया वाले हो, भगवान बाप जब आते हैं सन 76 से आते हैं कि नहीं आते हैं, तो चाहे दुनिया वालों की बुद्धि में बात बैठे अखबारों के द्वारा, रेडियो के द्वारा या कैसे भी, चाहे बेसिक वालों की बुद्धि में बैठे और चाहे ज्ञान में आने वाले एडवांस वालों की बुद्धि में बैठे, ये बात आती है कि नहीं कि शंकर विष पीता है कि नहीं पीता है? है? भगवान के दरबार में सच्चम सच्च बोलो कितने दिन हुए हैं ज्ञान में आए? हैं? डेढ़ साल में एक बार भी बुद्धि में ये नहीं आता है कि ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं, वो बात सही है या झूठी है? हैं? झूठी है, सुनी काहे के लिए आपने? हैं? सुनी तभी तो बोल रहे हैं झूठी है।
बिना सुने कैसे कहेंगे? तो हैं? गाड़ी करेंगे बाप का करेंगे बाप का ज्ञान बाप का ज्ञान बाप का ज्ञान सहज है? अगर सच है तो आज निश्चय और कल अनिश्चय माया क्यों बैठाई देती है? फिर तो सदैव ही निश्चय बुद्धि रहना चाहिए। फिर माया हिलाएगी? नहीं हिला सकती। एक ही बात है जिस पर यज्ञ के आदि से झगड़ा होता आया है, एक ही बात थी क्राइस्ट के जीवन में, जिस बात को लेकर के उनको फांसी पर चढ़ाया गया, पवित्रता की बात थी। यहां भी ऐसे ही है, यज्ञ के आदि से ये धोबी घाट चलता चला आया, आज में भी इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। दो पार्टियां थीं, एक पार्टी की बुद्धि में बैठ गया कि भगवान का जो पाठ है संग का रंग लगाने का वो सही पाठ है, मंदिरों में पूजा जा रहा है, कोणार्क और सूर्य मंदिर में चित्र बने हुए हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि गवर्नमेंट में बड़े से बड़े पद पर आसीन कोई व्यक्ति उन चित्रों को निकाल के बाहर नहीं कर सकता। सच्चाई अधिक होती है। ये एडवांस पार्टी में भी ये सच्चाई है कि दुनिया ने संघ के रंग में ला करके नीचे गिराया है और उन्हीं इंद्रियों के द्वारा संघ के रंग में ला करके भगवान बाप ऊंचा उठाता है। ये संघ के रंग की बलिहारी है, लेकिन दुनिया इन बातों को नहीं समझती है तो उल्टे उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। भल मुरली में बाप ने बोल दिया है शंकर को फॉलो नहीं करना है, फिर भी क्या करते हैं? जो फॉलो कभी न किया हो एडवांस में आने के बाद वो हाथ उठाए। माया ने नीचे न नाक रगड़ाई हो तो हाथ उठाए। अरे एक भी हाथ नहीं उठा रहा है? माने माया नाक रगड़ाई रही है ना? ये बात सच्ची है ना कि शंकर के पाठ को फॉलो करते हैं, बाप ने मना किया हुआ है। माना आत्मा सो परमात्मा की स्टेज पर पहुंचने वाली एक ही आत्मा है, दूसरी कोई आत्मा आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकती। लेकिन गुरुओं ने क्या किया? उल्टा ज्ञान दे दिया कि सभी आत्मा सो परमात्मा। ये विष निकला कि नहीं निकला? सबने पिया कि नहीं पिया? तो ये विष निकल रहा है और जोर से निकलेगा अभी अगर विरोध करोगे तो। सच्चाई का अगर विरोध करेंगे तो विष और जोर से निकलेगा। अभी तो कह रहे हैं कि जब सागर मंथन हुआ तो विष सबसे पहले क्यों निकला? तो ये विष निकल रहा है ना, ज्ञान रतन नहीं पकड़ रहे हैं। जो विष फैल रहा है वो बड़ी जल्दी बुद्धि में बैठ जाता है। उन्होंने विश्व कल्याण के लिए विष किया है, विश्व कल्याण के लिए। तो आप भी कल्याण करना शुरू कर दिया? तो पुराने हो गए, नए बोलने हाँ, आखिर में अमृत कलश निकलता है। हाँ जी, वो पीरियड तब से पकड़ा जाएगा जब लक्ष्मी निकल आएगी और वो लक्ष्मी आकर के ज्ञान कलश को बांटेगी। तो ज्ञान कुछ अलग होता है, बाप के ज्ञान यही ज्ञान है। तब तक
नाक रगड़ रगड़ के समझ जावेंगे सच्चाई क्या है। तो लक्ष्मी बांटेगी तो किस जन्म से मतलब है? यही ज्ञान बांटेगी? नहीं नहीं, तो ज्योता है वो ज्ञान सीखी है, तो ज्योता है सीखे ज्ञान, ज्योता है अमृत सीखे है। तो मतलब अरे धड़ाके से बोलो। इसी तरह से बाबा जी संघ आज जाग कर रहे लक्ष्मी, इसी तरह से वही क्या? जब लक्ष्मी निकल आएगी तो बाबा को क्या करने की जरूरत है? घर लक्ष्मी संभालेगी या नारायण संभालेगा? घर की लक्ष्मी घर वालों को संभालती है, घर के बच्चों को संभालती है या बाहर वालों को संभालती है? उसका काम है बच्चों को अमृत पिलाना, वो अपना काम करेगी है। अब इनको 1.5 साल हुआ है, इन्हें अच्छी तरह साप्ताहिक कोर्स दो है एडवांस में। और वो पूछ रहे हैं कि वो टाइम कब आएगा कि जब ब्रह्मा से विष्णु बनेगा। वो तो प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल बात है। तो प्रैक्टिकल बात का यहाँ पता बताया नहीं गया कि ये बाबा ने मुरली में बोला है तमो प्रधान से ततो प्रधान बनने में तुम बच्चों को कितने वर्ष लगते हैं? 40 से 50 वर्ष। कब से 40 वर्ष शुरू होंगे? 77 से शुरू हुए, 77 से लेकर के 40 वर्ष ऐड कर दो, 2018 आता है। हो सकता है 2018 से पहले भी ये काम शुरू हो जाए, क्योंकि तिथि तारीख निश्चित नहीं है। तो जो बात आप पूछ रहे हैं कब से होगा, उसका जवाब तो हाजिर है। और जैसे बाबा अभी मूर्ति चला रहे तो वैष्णो देवी के चलाएंगे क्या ऐसा होता? दुनिया ने, दुनिया वालों ने ब्राह्मणों, दुनिया के एडवांस वालों ने, बेसिक दुनिया के बेसिक ब्राह्मणों ने बोल बोल को फॉलो किया, भाग दौड़ को फॉलो किया, यहाँ कॉन्फ्रेंस करो, वहां मेगा प्रोग्राम करो, वहां प्रदर्शनी करो, वहां भाषण करो, भाग दौड़ को फॉलो किया, या दुनिया कर्म को फॉलो करती है? तो प्रैक्टिकल कर्मों में सुधार वैष्णो देवी लाती है या शंकर जी और ब्रह्मा लाते हैं? तो जिसके कर्म सुधरे हुए होंगे उसको सारी दुनिया फॉलो करेगी। और बाबा जब बाप को याद करते हैं तो कर्मों का विनाश हो जाता है? अगर सच्चम सच्च प्यार से याद करते, निरंतर याद करते, कोई दूजम को बीच बीच में याद नहीं करते, तो विकर्म भस्म होते हैं। जैसे सोना साधारण आग में तपाया जाएगा तो खाद नहीं निकलेगी, और तीव्र आग में निरंतर तपाया जाएगा तो खाद निकल जाती है। तो जब विकारों में जाते हैं तो पिछले पाप जो पुण्य कर्म है वो खत्म हो जाते हैं? बाबा ने कहा दुनिया में पाप कर्म करते थे तो एक गुना पाप चढ़ता था, और अभी बाप का पक्का ज्ञान मिल गया, बाप की पहचान मिल गई, लिख करके भी दे दिया इस स्टाम्प पेपर में कि हमें बाप मिल गया, फिर भी बदनामी कराने के कर्म करते हैं तो कई गुना चढ़ता है, 100 गुना पाप का बोझ चढ़ जाता है। तो बुद्धि दब जाएगी या हल्के हो जाएंगे? बुद्धि दबती जाती है, फिर मनन चिंतन मंथन चल नहीं सकता, बोझ आ जाता है, पुरुषार्थ की चाल धीमी पड़ जाती है, दौड़ नहीं सकते। ज्यादा वजन वाला दौड़ेगा या हल्का होगा तो दौड़ेगा?
हल्का होगा दौड़ेगा, कोई का मोटा पेट हो लंबा चौड़ा शरीर हो उसे को दौड़ो क्या, कहाँ से दौड़ेगा। हाँ सुनो, अरे नींद करते हो बार बार नींद आ जाती है, दुष्ट संकल्प आ जाते हैं, इससे तो अच्छा मुरली सुनने में प्यार आता है, अच्छा लगता है, वाइब्रेशन बढ़िया बनता है, मुरली ही सुनो, कम से कम जगने की तो प्रैक्टिस पड़ेगी नहीं पड़ेगी, चार सजन ऐसे ही करके देख लो, जब प्रैक्टिस पक्की पड़ जाए तो धीरे धीरे मुरली पढ़ना सुनना बंद कर देना और याद करना शुरू कर देना। बाबा अहमदाबाद सेंटर बीज रूप सेंटर है ना, क्या सुखधाम यमुना के कंठे पर बनेगा, शांति धाम माउंट आबू में बनेगा, अहमदाबाद से क्या कार्य है? अहमदाबाद से अहमदाबाद अहम ज्यादा अहंकार दुनिया के बड़े बड़े राजाओं में सबसे जास्ती होना चाहिए या सन्यासियों में होना चाहिए या गरीबों में होना चाहिए, जो दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह बनता है कौन बनता है, विश्व का बादशाह नारायण, वो तमो प्रधान बनता है तो उसमें अहंकार भी सबसे जास्ती आता है। नाम पड़ा है अहमदाबाद, बाद में अपने अहंकार को अर्पण कर देता है। पैदाइश कहाँ होती है? पैदाइश होती है अहमदगंज, वो कायमगंज है, अहमद अहम की बात हो रही है, वो गंदी गंध छोड़ दो अभी बुद्धि से, अहम की बात हो रही है। तो अहम बाद में देता है, दुनिया को झुकाने के बाद बच्चों के सामने खुद झुक जाता है। तो अहमदाबाद का जो नाम पड़ा है कि अहमदाबाद सब सेंटर्स का बीज रूप है, तुम बच्चों के सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जावेंगे। क्या बोला मुरली में? लाखों की तादाद में तुम बच्चों के सेंटर्स हो जावेंगे, करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी, आगे चल के ऐसा होगा। उन सेंटर्स का बीज कौन होगा? कोई कंट्रोल करने वाला एक होगा या 10 रावण के सिर होंगे? एक होगा तो दुनिया स्वर्ग बनेगी, और कंट्रोल करने वाले अनेक होंगे तो दुनिया स्वर्ग नहीं बन सकती और ही ज्यादा नरक बनेगी। उस स्थान से क्या होगा? है हाँ जी बाबा, यावत में एक ही है व्यास मुनि का मंदिर कहाँ है? अब आगे बोलो। पादुका काशी में है, व्यास की पादुकाएं जो हैं वो काशी में है। पादुका के ऊपर क्या रखा जाता है? उल्टो रखे जाते हैं, वो तो भगत रखते हैं। पादुका बनाई किस लिए जाती है? पांव रखने के लिए। तो किसकी पादुका है? व्यास की पादुका है। व्यास ने उस पादुका के ऊपर क्या रखा था? बुद्ध रूपी पांव रखा था। वो बुद्ध रूपी पांव माने पादुका जिसके ऊपर वो आधारित हुए थे वो काशी में प्रतिष्ठित की गई। इसका मतलब
काशी नगरी चैतन्य अलग है और उस काशी नगरी में वो काठ की पादुका जिसका आधार लिया व्यास ने, व्यास को क्या कहा जाता है? भगवान कहा जाता है। मुरली में बोला है अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी हैं। तो सबसे बड़ा शास्त्रकार कौन है? व्यास। तो समझ में आ जाना चाहिए कि वही व्यास विमाने विशेष आसमाने बैठ जाए, खास किस काम के लिए बैठ जाए? भक्ति मार्ग में शास्त्र रचने के लिए बैठ जाए, और ज्ञान मार्ग में वही व्यास किस नाम से प्रसिद्ध होता है? शंकर के नाम रूप से प्रसिद्ध होता है। किस लिए बैठ जाता है? योग बल से विश्व की बादशाही लेने के लिए आस बैठ जाता है। वो आधार किसका लेता है? अरे सन 76 शुरू हुआ, जगत पिता का पाठ शुरू हुआ, तो कोई का आधार लिया कि नहीं लिया? किसका? जगदम्बा का आधार लिया। जगदम्बा कठ बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? जो भगवान बाप को पहचाने, सबसे जास्ती मिलन मेला मनाए, जिसको फॉलो करके इतना बड़ा परिवार दुनिया में तैयार हो जाए, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद कहलाए, वो ही बाप को भूल जाए, तो कठ बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? कठ बुद्धि है। वो काठ की पादुकाएं हैं, वो कहाँ स्थापित की जाती है? काशी नगरी में स्थापित की जाती है। वो आत्मा का भी इतना प्रभाव है कि जब तक लक्ष्मी के साथ उसके संस्कार मिलेंगे नहीं, तब तक महालक्ष्मी के रूप में पूजन होगा नहीं, विष्णु की प्रत्यक्षता होगी नहीं, संपूर्णता की प्रत्यक्षता होगी नहीं। हाँ, काशी विश्वनाथ में किसका मंदिर है? जहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर माने यादगार होगी, मंदिर में क्या दिखाते हैं? अरे विश्वनाथ के मंदिर में क्या, किसकी पूजा होती है, क्या दिखाते हैं, मूर्ति क्या होती है? शिवलिंग होता है। शिवलिंग यादगार किसकी चीज की है? नहीं, शिवलिंग यादगार है, लिंग है साकार और बिंदु है उसमें निराकार, उस साकार में निराकार इस तेज की यादगार है क्या? शिवलिंग। तो जो उसे याद करते हैं निरंतर स्टेज में, उनकी सूरत अच्छी बनेगी या खराब बनेगी? है अच्छे से अच्छी बनेगी। तो सूरत में उसका यादगार खड़ा कर दिया तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ। हाँ, साढ़े बारह हो गए। हाँ, एक थो रहेगी, एक थो। हाँ, भक्ति मार्ग में गंगा को पांच पुत्र दिखाते हैं और यमुना को पांच पुत्र दिखाते हैं। पांच नहीं, सभी धर्म वालों ने, जो भी भारतीय धर्म है, सभी ने आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही फॉलो किया है। जैसे जैन धर्म वालों ने कितने तीर्थंकर बताए? 24। और भारत में कितने भगवान के अवतार बनाते हैं, बताते हैं? 24 अवतार बताते हैं। जैसे सिखों में 10 गुरु हुए, आदि सनातन देवी देवता धर्म में झाड़ के नीचे कितने गुरु बैठे हुए हैं?
आठ तो प्रत्यक्ष हैं और दो जड़ के नीचे हैं माता पिता के रूप में, तो दस गुरु दिखाए गए। ऐसे ही सन्यासियों में सन्यासी कौन सी नदी को सबसे जास्ती मानते हैं, कौन सी नदी के किनारे चौकड़ी मार करके मेढक की तरह बैठ जाते हैं, हैं? गंगा के किनारे, वो उनकी अम्मा है। तो वो अम्मा कितने पुत्र पैदा करती है, हैं? वही आठ पुत्र जिनमें सात भक्ति मार के सन्यासी बनने वाले हैं, सात नारायण सप्तऋषि। एक है जो बहुत पावरफुल है, पक्का बेहद का सन्यासी है, बाल ब्रह्मचारी, क्या नाम है, भीष्म पितामह, भीष्म प्रतिज्ञा की। तो आज सनातन धर्म को फॉलो किया गया है सनातन धर्म में, वो सन्यास धर्म में है। यमुना कौन पुत्री बता, हाँ जी, तो सही बात है, गलत थोड़े ही है। और बंद करो, माता जी कह रही बंद करो। संगठन में जो नई आत्माएं हैं वो आ सकते हैं, जिनकी बच्ची नहीं है, जिन्होंने साप्ताहिक कोर्स किया है वो मासिक संगठन में, जो मुख्य बड़ा संगठन होता है उसको छोड़कर बाकी तीन संगठनों में आ सकते हैं। जो बड़ा संगठन होता है महीने में एक, उसमें नहीं आना है, भले बच्चे किया हुआ न हो। अच्छी बात है, सबको कम से कम रास्ते का तो पता चलेगा। माँ प्रसाद से घर गृह में रहकर हम बच्चे नंबर वन हो नहीं सकते, अपने मन की बात को कुर्मा कर लेंगे, कोई भी हो पूरा क्लियर कहा हुआ है, वो लिखिए है प्रसाद से घर गृह में रहकर हम बच्चे नंबर वन हो नहीं सकते, नंबर वन ही तो होते हैं ना, घर गृहस्थ में रहते हुए पुरुषार्थ करने वाले नंबर वार ही तो हैं, एक जैसे कहाँ है। हाँ कहने का मतलब है मतलब जे घर गृहस्थ में रह के माने अच्छा पुरुषार्थ कर नहीं सकते हैं, जो लोग सरेंडर करते हैं कुंडल लोग, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बाबा ने कहा गीता पाठशाला को भी मिनी वधवन का नक्शा बनाओ, जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं वो गीता पाठशाला को मिनी वधवन नहीं बना सकते, अगर वो मिनी वधवन बनाएंगे तो फिर फुल सरेंडर होकर के चल जाएंगे ना, जब फुल सरेंडर होकर के वो चलेंगे तो वो भी फुल सरेंडर, और जो सरेंडर हुए वो भी फुल सरेंडर, बल्कि जो कागज पे सरेंडर हुए हैं वो हो सकता है कि अंदर से सरेंडर ना हो। खून से लिख करके देने वाले सरेंडर नहीं हुए, सब सरेंडर नहीं हुए, आपके सारे छोड़ के। तो ये तो प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल धारणा की बात है, इसमें ये थोड़े कि घर गृहस्थ में रहने वाले नहीं कर सकते, घर गृहस्थ में रहने की बात नहीं है, बात है सच्चाई से चलने की। सरेंडर कितने हैं, बाबा की श्रीमत पर कितने चलते हैं, गीता पाठशाला चलाते चलाने वाले जो हैं वो बाप की श्रीमत पर नहीं चल सकते, बंधन है क्या, ढेर के ढेर बंधन होते हैं, तुम्हें ज्यादा ढेर के ढेर बंधन है कि बाबा घर गृहस्थ में है कि नहीं बताओ,
सबसे बड़ी गृहस्थी बाबा। ज्यादा बड़ी गृहस्थी किसकी, तुम्हारी है कि बाबा की है? हैं? बाबा की जब इतनी बड़ी गृहस्थी है तो तुम ऐसे कैसे कह सकते कि हम ज्यादा बंधन में? या समस्याएं भी उतनी ज्यादा होती है? भक्ति मार्ग में बोला जो गौरी घाट में मुझसे नहाएंगे उनका सारा पग कट जाएगा, इसका अर्थ है? यही तो बात इनको बताई, ये भक्ति मार्ग की बातें क्यों उठाते हैं? भक्ति मार्ग में बोला हुआ है मुरली के पद गौरी सागर में नहाएंगे उनके सारे पाप कट जाएंगे। अब गौरी है कौन? काली सागर क्यों नहीं बताया? गौरी कौन है? गौरी माने लक्ष्मी। लक्ष्मी जब आती है तो उसके द्वारा जो ज्ञान मुख से दिया जाता है वो शुद्ध ज्ञान होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा सुनाया हुआ। उस ज्ञान को जो सुनेंगे तो जरूर विजय माला के मन के बनेगी। हाँ जी बाबा। हाँ, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मनुष्य कैसे हो? चंद्रमा को फॉलो करेंगे तो चंद्रवंशी, सूर्य को फॉलो करेंगे तो सूर्यवंशी। अरे बच्चा अपने बाप को ही फॉलो करेगा ना, सूर्य का बच्चा होगा तो सूर्य को फॉलो करेगा या चंद्रमा को फॉलो करेगा? किसकी मत पे चलेगा? बाप की मत पे चलेगा। तो यहाँ सूर्य भी है, यहाँ ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी है। राधा जो है वो चंद्रवंशी क्यों कही गई? कहाँ पलती है? सूर्यवंश में पलती है या ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के वंश में पलती है? कहाँ पलती है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के कुल में पल रही है तो किसके डायरेक्शन में चलेगी, किसकी मान्यताओं को मानेगी? चंद्रमा की मान्यताओं को मानेगी तो चंद्रवंशी हुई। बाबा के साथ हमारा सर्व संबंध है तो ये संबंध किस समय संबंध रखना है? जब जैसा टाइम हो तब तैसा संबंध रखो। जब जैसी स्थिति हो तब तैसा रूप धारण करो, जब जिसकी आवश्यकता हो तब वो रूप धारण करो। ऐसे थोड़े कि हर समय एक ही बात पढ़ के रहना है। और बाबा एडवांस जन में आया बाप का पहचाना और बाप का बच्चा बना, उसके बाद भी फिर विकार में गिर मर गए, उसका आखिर में अंजाम क्या होगा? गिर मर गए तो पोता मिल दे दो, बाबा आधा माफ कर देंगे, आधा वजन रह जाएगा तो योग बल से खत्म कर दो, अंजाम कुछ भी नहीं होगा, माफ हो जाएगा। बाबा ने तरीका भी तो बताया है, कोई गलती हो जाती है तो बाबा को बता दो, लिख के बता दो, लिख के देंगे तो आधा माफ होगा। ऐसे फोन पे तुम गड़बड़ा दोगे बाद में कहते हमने थोड़ा ही ऐसे कहा था। बार बार भी गिर सकता है, बार बार बताओ। मनुष्य उसे ही कहा जाता है जिससे बार बार भूल होती है। साइकिल पे चढ़ने वाला साइकिल सीख रहा है, गिरेगा नहीं? गिरे फटाक से फिर उठ के बैठ जाओ। बार बार माफ मिलेगा। क्यों नहीं? हाँ, उसकी जो परसेंटेज है माफी की वो थोड़ी कम होती जाती है।
पहली बार पूरा आधा माफ हो जाएगा, 50% माफ। दूसरी बार वही गलती की तो आधा पौना परसेंट कम होना चाहिए कि नहीं, पूरा माफ नहीं होगा, आधा पौना परसेंट कम हो जाएगा। फिर तीसरी बार की फिर माफ। बाबा कहते 63 जन्म के संस्कार हैं, और एक एक जन्म में एक एक बार भूल की है कि अनेक बार की है विकारी बनने की? अनेक बार की है। तो 63 जन्म में जो भूलें की हैं वो कम से कम 63 बार तो माफ होनी चाहिए है? लेकिन तब जब तुम सच्चे दिल से बाबा को सच्ची सच्ची बात बताओ लिख करके, झूठी बता दी, आधी बताई आधी छुपा ली और लंबा लंबा करके लिख दिया, जो असली बात है फिर नहीं लिखी। पोता मेल तो दे दिया लेकिन नाम नहीं बताया कि किसके साथ हमारी भूल हुई है, तो छुपा लिया ना, तो उसका पाप अलग लगेगा, वो सब गुना पाप चढ़ गया। सब बताओ, क्लियर करके बताओ, दिल खोल के, ये भूल हमसे हुई, इस व्यक्ति के साथ हुई, इस स्थान पर हुई, इस उम्र में हुई, ऐसे ऐसे माहौल था, ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थिति थी, खोल के बताओ तो बाबा खोल के माफ करेंगे खुले दिल से। हाँ ये भी होता है, बताने वाले बताते तो हैं लेकिन तुरंत नहीं बताते हैं। कब बताएंगे? जब बात इधर उधर फैलने लगी तभी बता दिए, बाबा हमने बता तो दी थी आपको, बाबा हमने बताया नहीं था आपको, हम तो बता दिया। अरे बताया तो तब बताया जब तुम, जब उसका ब्याज बढ़ गया, मल्टीप्लाई हो गया, ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ता है। माने क्या है? वहाँ 13 जन्म होते हैं, हम बच्चे जो है रुद्रमाला के, वो यही सुख भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे इसी दुनिया में? विश्व की बात सही का भोगेंगे ना, ब्रह्मा की आत्मा शरीर से सुख भोगेगी नहीं भोगेगी? उनका एक जन्म कम हो गया ना, वो एक जन्म उनका त्रेता में बढ़ जाएगा, उनको 13 जन्म होंगे वहां। और हमारे, हमारे 12 ही होंगे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? त्रेता। और बाबा हर आत्मा एक जन्म में पुरुष एक जन्म में स्त्री बन जाता है, लेकिन दुनिया में ऐसा भी देखते हैं जो ना पुरुष है ना स्त्री है, हाँ, किस कर्म के आधार पर वो इतना बड़ा स्त्री बनते हैं? कोई तो जन्म जात होते हैं ऐसे, कोई ऐसे भी होते हैं जन्म जात नहीं होते हैं, बीच में बनाए जाते हैं। तो हर जन्म ऐसे हो गया? नहीं, हाँ ना, जब जब उनका टाइम आएगा उस जन्म का, कल्प में जब वो साइकिल पूरा करके उस जगह आएंगे तब ऐसे ही होगा। तो कभी पुरुष कभी स्त्री नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? उस जन्म में, उस जन्म में नहीं बनेंगे। तो किसी कर्म के आधार पर तो ऐसा होगा? हाँ हाँ, जब स्त्री का जन्म लिया तब भी उन्होंने अति कर दी, फिर जब पुरुष का जन्म लिया तो भी उन्होंने अति कर दी, तो उसका दंड यही है, न तुम स्त्री बनो न तुम पुरुष बनो, न स्त्री का सुख भोग सकते हो न पुरुष का सुख भोग सकते हो, चलो बीच में लटके रह जाओ। तो एक जन्म के लिए उनको वो दंड मिला। जैसे कोई बहुत पाप करते हैं तो भूत प्रेत का जन्म मिलता है ताकि ज्यादा उनके पाप ना बढ़े, थोड़ा थम जाओ।
ऐसे ये भी दंड है। और बाबा हाँ, थोड़े समय में धर्मराज का प्रत्यक्ष रूप कैसे कब कहाँ कब कहाँ प्रत्यक्ष कैसे होगा? और सबको एक साथ थोड़े ही पता चलेगा, धीरे 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 प्रत्यक्ष होता जाएगा। हाँ, कभी कभी मनुष्य को ऐसा होता है जो थॉट से जो चूल होता है ना, बाल होता है ना, वो जड़ जैसा ऐसे बन जाता है, ऑटोमेटिक जटाएं जैसी बन जाती है। माना बालों की देखभाल नहीं करते हैं तो जटाएं बन जाती है। वो कोई भूत प्रेत का करिश्मा होता है जो एक सेकंड में बनता है। बाबा एक लेडीज है ऐसे ही है, मतलब की तीन साल आगे लंबा था बाल पूरा साफ था। हाँ, छह तीन साल बाद ऐसा हुआ, छह तीन साल लगे ना और तीन साल के गेस में। हाँ, ऐसा हुआ कि छोटा 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 हो गया कि गोला पड़ गया वो बाल। हाँ हाँ, मतलब चिपकते गए। हाँ हाँ, चिपकते चिपकते पूरे ही चिपक गए। हाँ, वो ऐसे ही बताने लगी कि ये। हाँ, तो लंबा टाइम लग गया ना उसको, ये तो बता रहे हैं दो चार सेकंड में, दो चार दिन में ही ऐसा हो जाता है। सेकंड बार में हो गया। हाँ, मेरा बांध भी क्या हो गया है? मेरा बांध क्या हो गया? हाँ, हो सकता है, क्या बड़ी बात है। ये बात है डॉक्टरों से पूछने की है, यहाँ पूछने की थोड़ी है। वैसा ही प्रश्न करो जिससे अपनी जिंदगी में कुछ जिंदगी। चलो ओम शांति, अब तुम्हारे पास स्टॉक है नहीं, खींच खींच के निकाल रहे हैं।